गुड मॉर्निंग, स्टार्ट कर रहे हैं सेरेब्रल पैलेसी, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मस्तिष्कीय पक्षाघात। मस्तिष्क में एक समस्या हो जाती है जिसको हम लकवा कहते हैं मस्तिष्क का, उसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा हम, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है, फिर हम पढ़ेंगे प्रकार कौन कौन से है, फिर हम पढ़ेंगे कारण कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी जो शिक्षा है वो कैसी हो सकती है या कैसी होनी चाहिए। प्रारंभ करते हैं। पहली स्लाइड में मैंने एक अक्टूबर 6 वर्ल्ड सेरेब्रल पैलेसी डे, 6 अक्टूबर को विश्व मस्तिष्कीय पक्षाघात दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मैंने इसलिए पहले डाला कि हमें पता होना चाहिए जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, तो सेरेब्रल पैलेसी जो मस्तिष्कीय पक्षाघात है वो कहते हैं कि 1800 ईस्वी के करीब जो है ये उद्भव में आया, इस शब्द का प्रयोग होने लगा, इस तरह के रोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए, पहचान में आए। इट वाज कॉइंड एंड पॉपुलराइज्ड बाय सर विलियम ऑस्लर, ए ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर, इन 1889 थ्रू हिज राइटिंग्स। पहली बार इसको प्रसिद्ध करना, इसको सबके सामने लाने का काम किया सर विलियम ऑस्लर, एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। उन्होंने 1889 में अपने जो लेख लिखे चिकित्सा विज्ञान के ऊपर, उसमें इसका वर्णन दिया। इतनी पुराना इसका इतिहास है। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। सेरेब्रल पैलेसिस, ब्रेन पैरालिसिस, मस्तिष्क को लकवा हो जाना, पक्षाघात हो जाना, वो जो है उसको हम सेरेब्रल पैलेसी कहते हैं। इट इज ए डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स मूवमेंट एंड बॉडी पोजिशन। ये एक ऐसी अक्षमता है जिससे हमारे जो मूवमेंट है, हमारे शरीर का जो संचलन है, जो हम मूव करते हैं, उंगलियां हिलाना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, खुद की बॉडी को मूव करना, ये इस तरह के जितने संचलन हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको प्रभावित करती है और उसके साथ साथ बॉडी की पोजीशन को भी प्रभावित करती है। एक स्वस्थ आदमी है वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा मिलेगा, आप उसके माथे से लेकर नीचे तक एक लाइन लगा दीजिए, वो सीधा दिखाई देगा आपको, स्ट्रेट लाइन में होगा। वो ठीक से बैठता है तो वो सीधे तरीके से बैठ सकता है, तो इस तरह के जो बॉडी का पोस्चर होता है, पोजीशन होती है, उसको भी ये प्रभावित करती है। देयर आर ए सीरीज ऑफ न्यूरो मस्कुलर डिसेबिलिटीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टरबेंस इन वॉलंटियर मोटर एक्शंस इन द एक्सट्रीमिटीज, मोस्टली रिजल्टिंग आउट ऑफ ब्रेन डैमेज। ये क्या कहता है, एक सीरीज चल पड़ती है, एक श्रृंखला चल पड़ती है, किसकी, न्यूरो मस्कुलर डिसेबिलिटीज। न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी क्या है, नर्व्स और मसल्स के द्वारा जो अक्षमता पैदा हो जाती है, और वो किसको प्रभावित करती है, किसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, हमारी जो स्वैच्छिक मूवमेंट है बॉडी के, मोटर एक्शंस है जो हम संचलन करते हैं, हाथ उठाना, हाथ को रखना, पैर उठाना, चलना, उठना, बैठना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो मोटर एक्शंस हैं, उनको प्रभावित करती है। और इसकी एक्सट्रीमिटीज, इसकी जो मतलब मैं क्या कहूँ, अधिकता है, वो क्या होने लगती है, डिपेंड करती है कि आपके ब्रेन को डैमेज कितना हुआ है। द सेंसिटिविटी ऑफ द डिसेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डैमेज। सेंसिटिविटी जो इसकी है वो किस पे डिपेंड करेगी, कि डैमेज का प्रतिशत कितना है। आप कभी देखना, बुजुर्गों के साथ होता है, मैं अपने पड़ोस में एक बुजुर्ग थे हजारी लाल जी टाड़ा, उनको मैं देखता था, उनकी एक उंगली जो है वो लगातार हिलती रहती थी, जो अंगूठे और जो हमारी मध्यमिका है इसके पास जो उंगली होती है, उसको रोक दो उंगली से, हाथ से पकड़ लो, वो रुक जाएगी, अदरवाइज फिर वो हिलने लगे। और ये क्या था, वॉलंटियर मोटर एक्शन था, जब हम उंगली को हिलाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो वो उसमें एक लगातार वो चीज चल पड़ी। ऐसी कई बार हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैलेसी, 5 प्रकार हैं इसके। पहला है स्पास्टिसिटी, मसल स्टिफनेस, आपके मांसपेशियों में एक खिंचाव आ जाए, ऐसा लगेगा जैसे कुछ खिंच रहा है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स लगता है, टेंशननेस ऑफ मसल्स। ये कई बार आपके साथ भी होता होगा, जो हाथ की जो बाजू की मांसपेशी है उसमें कई बार आपको लगता है कोई नस जो है वो फड़कने लगती है, कई बार आंख के पास लगता है, ज्यादातर कहते हैं कि ये वाली आंख फड़क रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये उनके अंदर लगातार चलने लगता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उनमें तनाव और खिंचाव महसूस हो। इससे क्या होता है, डिफिकल्टी एंड इनएक्यूरेट वॉलंटियर मोशन, जो आपके स्वैच्छिक मूवमेंट हैं, गतिविधियां हैं, वो इनएक्यूरेट हो जाएंगे, वो ठीक नहीं रहे और उनमें समस्या आने लगेगी। सेरेब्रल पैलेसी के 70% जो केस है वो स्पास्टिसिटी के होते हैं, रिसर्च ये कहती है, अनुसंधानों में ये पाया गया कि सबसे बड़ा कारण जो होता है यही होता है
जिसको हम कहते हैं मसल स्टिफनेस। दूसरा है एथटोसिस, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, जो मैंने अभी बताया था कि उंगली जो है वो लगातार हिले जा रहे, शरीर का कोई अंग जो है वो लगातार हिले, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, पुअर इम्बेलेंस, शरीर का जो संतुलन है वो कमजोर हो जाता है, ठीक नहीं रहता है। स्पीच इम्पेयरमेंट, एक हमारे शरद पवार नाम के एक वो थे, उनके वैसे लकवा हुआ था मुंह के, तो उनका मुंह जो है वो टेढ़ा हो गया था, मिनिस्टर रहे हैं स्टेट सेंटर के अंदर, अगर आप उनके वीडियो देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो जब बोलते हैं तो वो कई बार एक ही चीज को, शब्द को बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पहले वो ठीक होते थे, जब उनको वो हुआ तो वो जब उसको आर्टिकुलेट करना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं, तो वो उच्चारण ठीक से हो नहीं पाता, स्पीच इंपेयरमेंट हो जाता है कई बार। कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, लगातार शरीर के अंदर कुछ मोशंस, कुछ गतिविधियां उच्चतम श्रेणी तक होने लगती है, जैसे जैसे इसकी जो डिग्री है वो बढ़ने लगती है। तीसरा है अटैक्सिया, पुअर बैलेंस, इम्पेयर्ड बैलेंस, क्लमजी मूवमेंट, ये जो चीज है वो देखने को मिलती है, संतुलन कमजोर हो जाता है और जो गतिविधियां हैं वो बड़ी ही धीमी हो जाती है। क्लमजी मतलब होता है आलसी सा, जो मूवमेंट है वो बहुत ही धीमा हो जाएगा, जो पैर तेजी से उठना है, जो हाथ तेजी से उठना है, उंगली ने तेजी से रिएक्ट करना है, वो बहुत धीमा हो जाएगा। चौथा है रिजिडिटी, वाइड स्प्रेड कंटिन्यूअस मस्कुलर टेंशन, पूरे बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर तनाव महसूस होता है, स्पास्टिसिटी, एक स्पेसिफिक जगह पर तनाव महसूस हो रहा है। अगला है ट्रीमोर, रिदमिक इनवॉलेंटरी अनकंट्रोल्ड मोशन, शरीर के किसी अंग के अंदर अनियंत्रित जो गतिविधियां हैं वो होने लगेगी, वो अंग जो है वो अपने आप अपनी गतिविधि करने लगता है। ये पांच प्रकार हैं, स्पास्टिसिटी, एथटोसिस, अटैक्सिया, रिजिडिटी और ट्रिमर। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जन्म के प्रारंभ से, जैसे पहला पॉइंट ये कह रहा है, एट बर्थ द बेबी विद सेरेब्रल पैलेसिस ऑफन लिम्प एंड फ्लॉपी एंड मे टर्न ब्लू। अगर जन्म से ही बच्चे को ये रोग हो गया, माता के गर्भ से जब जन्म हुआ तभी से, तो बच्चा कैसा दिखेगा, लिम्प और फ्लॉपी, ढीला ढाला और बिल्कुल धामड़ टाइप का होता है, मूवमेंट नहीं होंगे बिल्कुल, और वो नीला नीला हो जाता, एक समस्या उसमें देखने को मिलती है। अन्यथा जैसे मैं कई बार कई पॉइंट्स में कहता होता हूँ, छोटे बच्चे को समस्या होती है तो माँ या दादी जो है वो आस पड़ोस की बुजुर्ग महिलाओं को बुलाती है, डॉक्टर को कहती है, देखो जी तो मूवमेंट नहीं कर रहा, ये आज दूध नहीं पी रहा, इसने हाथ भी नहीं लाया, इसने पैर भी नहीं लाया, तो वो वाली समस्या इसके साथ होती है, और इसका जो रंग है वो लाल नहीं रहता, वो नीला पड़ने लगता है। दूसरा है डिलेड ब्रीदिंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, जिसको हम एनोक्सिया कहते हैं, जब माँ की गर्भनाल से बच्चा अलग हुआ उस समय अगर उसको सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली, उसने सांस लेट लेना प्रारंभ किया, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से ये चीज प्रॉब्लम आती है। द चाइल्ड इज स्लो टू होल्ड अप हिज हेड एंड मूव अराउंड, जो बालक है वो अपने जो हेड है, सिर है, उसको होल्ड नहीं कर सकता, वो दाएं बाएं आगे या इस तरह से थोड़ा सा लुढ़का हुआ सा लगेगा, जैसे लगता नहीं कि इसने गर्दन संभाल रखी। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के साथ होता है, जब उसको गोदी लेते हैं तो गर्दन के नीचे हमें हाथ लगाना पड़ता है, पर एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर वो अपनी गर्दन खुद संभालने लगता है, फिर वो ऐसे बैठने लगता है, तो वो वाली जो गतिविधि है इस बच्चे में कम देखने को मिलेगी। मूव अराउंड भी प्रॉब्लम होती है, वो इधर उधर घूम भी नहीं सकता। द चाइल्ड में नॉट यूज हैंड्स, कई बार ये भी होता है बालक अपने हाथों का उपयोग भी नहीं कर सकता। द चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन फीडिंग, बच्चे को फीड लेने में, खाना लेने में, आहार लेने में, माँ का दूध पीने में भी समस्या हो सकती है। द बेबी डज नॉट रिस्पॉन्ड एंड इज स्लो इन बिगिनिंग टू स्पीक, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं, आप खिलौना खिलौने से खिला रहे हो, आप उसको पुकार रहे हो, आप उसके गुदगुदी कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, जो बच्चे के साथ हम करते हैं उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं आता, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एंड इज स्लो इन बिगिनिंग टू स्पीक, और वो जो उसका संप्रेषण है, उसका जो वार्तालाप है, उसका जो बोलना है, वो भी देरी से प्रारंभ होगा और धीमा होगा। द चाइल्ड डिस्प्लेज रेस्टलेस बिहेवियर, बेचैनी सी नजर आती है बच्चे के व्यवहार से, ऐसे लगता है जैसे बेचैन है, और ये वैसे तो आजकल सबके साथ हो रखा है, बड़ों के साथ और जो भी है। Children have difficulty in controlling his body and have balance problem. शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता और संतुलन का अभाव या संतुलन की समस्या देखने को मिलती है। Some children have club foot. कुछ बच्चों के जो पैर है वो बिल्कुल सीधे होते हैं, अन्यथा हमारे पैरों के अंदर एक गहरापन होता है, इसको अशुभ भी माना जाता है हमारे यहाँ। जैसे
हम बात कर रहे थे एक दिन स्टाफ रूम में बैठे कि ये वाली जो चीज है आर्मी वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और इस तरह की जो कुछ धारणाएं हैं हमारे उसमें क्लब फुट जो फ्लैट फिट जिसको हम कहते हैं वो वाली चीज होती है। अब बात करते हैं कॉजेज की, तीन हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा होगा माता की गर्भावस्था के दौरान जो कारण जिम्मेदार होते हैं, दूसरा हिस्सा होगा जब जन्म हो रहा है उस समय कौन से कारण जिम्मेदार हैं, और तीसरा हिस्सा होगा जन्म के उपरांत कौन से कारण जो है वो जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले लेते हैं फैक्टर ऑपरेटिंग ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड, जब माँ की गर्भ में बच्चा जो एक फोइटस के रूप में उसका जो क्या कहा जाए फॉर्मेशन हो रही है, एक भ्रूण के रूप में जब वो बन रहा है तब से लेकर जब वो माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने तक, तब तक जो कारण जिम्मेदार होते हैं उनका बात करते हैं। पहला है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम का जो असंतुलन है, इतने क्रोमोसोम्स माँ से आए इतने पिता से आए, दोनों के भ्रूण से इतने आने चाहिए, अगर उनमें कहीं जो एबनॉर्मलिटी आ गई उसमें असंतुलन पैदा हो गया कुछ कम ज्यादा हो गया तो ये समस्या होगी ही होगी, पहला कारण। दूसरा है रेडिएशन एक्सपोजर अफेक्टिंग फीटस, आजकल डॉक्टर लिखता है इनका ये करवाइए इनका ये करवाइए, एक्सरे करवाओ इनका जो अल्ट्रासाउंड करवाओ, या कई बार होता है ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर कुछ ऐसा होता है तो उनके साथ भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। रेडिएशन एक्सपोजर जब माँ ने गर्भधारण किया है अगर उसके साथ इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि वो रेडिएशन के इफेक्ट में आती हैं तो ये समस्या हो सकती है। उसके बाद है मैटरनल रूबेला या जर्मन मीजल्स, माँ को गर्भावस्था के दौरान अगर जर्मन खसरा हो जाता है तो भी ये समस्या बच्चे के साथ हो सकती है, और ये एक यूनिवर्सल सा फैक्टर है जो जर्मन मीजल्स है। मैक्सिमम जो डिफॉर्मिटीज हैं, मैक्सिमम जो समस्याएं हैं उनके अंदर एक ये कारण होता है। चौथा है अल्कोहल और ड्रग्स यूज बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, भारत में कम होता है अब बड़े शहरों में होने लगा है, ये रिसर्च बेस्ड है जो हमारी पश्चिम की जो खोज है उनमें होता है, वहां पर एक ये जो अल्कोहल लेना या ड्रग्स लेना एक आम बात है, तो वहां पर अगर माता ऐसा करती है तो ये वाली जो समस्या है वो देखने को मिलती है, वहां पर प्रचलन ज्यादा है चीज। अगला है मैटरनल एनोक्सिया, एक एनोक्सिया मैंने बात कही कि जब जन्म हो रहा है बच्चे ने सांस नहीं लिया, एक मैटरनल एनोक्सिया है माँ जब गर्भधारण किया हुआ था किसी कारण अगर उसको ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कोई रोग है बेहोश हो गई किसी ऐसी जगह काम कर रही है जहां पर ऑक्सीजन का अभाव है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा गर्भ में पल रहे बच्चे को और उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि सेरेब्रल पैलेसी के रूप में देखने को मिले। अगला है कंजीनियल माल फॉर्मेशन, मदर्स पुअर हेल्थ, माँ का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, इलनेस वो बीमार है, माल न्यूट्रिशमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माता जो गर्भावस्था के दौरान अगर उसको पोषक आहार नहीं मिला तो ये इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो गर्भावस्था के दौरान प्रभावित करते हैं सेरेब्रल पैलेसी को, मतलब पैदा करने या उसके पैदा होने की वजह बनते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑपरेटिंग ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म हो रहा है उस टाइम कौन से कारण है वो जिम्मेदार होते हैं। बर्थ एफेक्सिया, इंटरप्शन इन ब्रीदिंग, पुअर ऑक्सीजन सप्लाई, बच्चे का जन्म के समय ब्रीदिंग में समस्या आ गई, उसके सांस लेने में समस्या आ गई या उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये हो सकता है। दूसरा, प्री मैच्योर डिलीवरीज, पूर्वकालिक जन्म, 9 महीने से पहले जन्म अगर होता है उन बच्चों में भी ये कारण बनता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग इन टू द ब्रेन ऑफ द बेबीज, बच्चे के ब्रेन के अंदर अगर रक्त स्राव हो जाता है, खून बहने लगता है और उसके क्लॉट्स अगर जम जाते हैं तो ये वाली समस्या आती है। बर्थ इंजरी, सिजेरियन बेबी हो रहा है या कोई और तरीके से जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उस दौरान अगर बच्चे के साथ कोई इंजरी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई घटना घट गई, उसको चोट लग गई तो भी ये कारण बन सकता है। जैसे मैं बार बार कह रहा होता हूँ क्लास के अंदर भी, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बताया कि बहुत ही मतलब ध्यान रखने की बात होती है कि उस समय कोई भी अपरेटस कोई भी चीज इस तरह से बच्चे के ब्रेन को सिर को और उनको टच ना करे, क्योंकि उस समय जो बच्चा है वो बहुत ही वो होता है सेंसिटिव इन चीजों के प्रति, और अगर वो टच करती है थोड़ी सी भी चोट लगती है तो इंजरी के रूप में उसको प्रभावित कर सकती है,
उसके बाद है तीसरा फैक्टर्स ऑपरेटिंग आफ्टर पोस्टनेटल स्टेज, जन्म हो गया है उसके बाद कौन से कारण है जो जिम्मेदार होंगे। पहला है द न्यू बोर्न बेबीज में गेट अफेक्टेड विद जॉन्डिस, अगर उसको जिसको हम कहते हैं कि पीलिया हो जाना, अगर ये समस्या उसके साथ होती है न्यू बोर्न बेबी के साथ, आजकल होता है कई बार उसके साथ, उसको नर्सरी में छोड़ा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, वो वाली चीज। न्यू बोर्न्स इलनेस, जन्म के समय से ही बच्चा बीमार हो गया तो समस्या है। ब्रेन इंजरी ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स, बच्चे को कोई दुर्घटना के द्वारा उसके ब्रेन को इंजरी हो जाती है तो भी ये समस्या होती है। अब बात आती है एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ सेरेब्रल पैलेसी, किस तरह से हम उनकी जो शिक्षा है उसका प्रावधान कर सकते हैं। टू फोल्ड, दो क्षेत्रों में उनकी शिक्षा का हमें जो इंतजाम है वो करना है। पहला है दे नीड एजुकेशनल फॉर ओवरकमिंग देयर डिफिस रिजल्टिंग थ्रू द सेरेब्रल पैलेसी एंड अदर यूजुअली अकंपनिंग डिसऑर्डर्स। पहली एजुकेशन क्या है, जो मस्तिष्कीय पक्षाघात की वजह से उनके अंदर कुछ कमियां आ गई हैं उनको हटाना शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए। मूवमेंट नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं बना रहे, क्लास में अगर उनको लाना है तो हमें पहला काम करना पड़ेगा उस क्षेत्र में उनको मजबूत करना। दूसरा है दे नीड एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ 3 आवर्स, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक एंड वेरियस सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल करिकुलम। उनको पढ़ना लिखना गणितीय योग्यता और दूसरी तरह की जो शिक्षा है विद्यालय में जो दी जाती है उनको सिखाना हमारा दूसरा काम है। तो दो फोल्ड में उनकी एजुकेशन होगी। अब बात करते हैं कि उनके लिए हम सपोर्ट सर्विसेज क्या कर सकते हैं। पहला है होल्डिंग देयर क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। प्रयास ये रहे कि उनकी जो कक्षाएं हैं वो जो हमारा भूतल स्तर होता है, ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का जो पहली जो मंजिल है उसके ऊपर होना चाहिए। मेकिंग प्रोविजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ देयर व्हील चेयर्स, उनकी जो व्हील चेयर्स हैं, जो ट्राई साइकिल्स हैं जिन पे वो आ रहे हैं, उनका प्रावधान भी उनके लिए होना चाहिए। प्रोवाइडिंग डिजायर्ड स्पेस एंड फैसिलिटीज फॉर द सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन द क्लासरूम्स, उनके लिए वाइड डोरवेज वाले क्लासरूम चाहिए, खुले खुले क्लासरूम चाहिए ताकि वो अपनी व्हील चेयर को मूव कर पाए, वो बैठ पाए, वो खड़े हो पाए क्लासरूम में, इस तरह की जगह हमें उनको देनी पड़ेगी। मेकिंग प्रोविजन फॉर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू दीज स्टूडेंट्स, इन बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है बैलेंस की प्रॉब्लम है और बाकी जो बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनमें भी इनको समस्या होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर उनको है घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक तो उनके लिए बड़ा लाभ का कार्य होता है। मेकिंग सुटेबल अडेप्टेशन रिगार्डिंग टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा, जो हमारा रूटीन एक्टिविटी में टॉयलेट यूज करते हैं वहां पर हमें इनके लिए ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे, बार्स लगाने पड़ेंगे पकड़ने वाले या कुछ और ड्रिंकिंग वाटर वाली फैसिलिटी है वो भी ठीक करनी पड़ेगी ताकि ये बच्चे उसका सही तरीके से उपयोग कर पाए। मेकिंग प्रोविजन फॉर द सर्विसेज ऑफ ए प्रोफेशनल एंड ए स्पेशलिस्ट फॉर मीटिंग द एमरजेंसी नीड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, बड़ा जरूरी है कि जब बच्चा विद्यालय में आ गया उसको अगर एमरजेंसी होती है, कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है, तो हमें कुछ ऐसे व्यावसायिक और कुछ ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो उसका उसी समय पर ध्यान दे पाए, उसको उसी समय पर वो ठीक कर पाए, ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट है मेकिंग प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द टीचर्स, जो अध्यापक इनको पढ़ाएंगे उनकी उनके प्रशिक्षण और उनकी जो सेवाकालिक शिक्षा है उसके लिए भी हमें प्रावधान करना पड़ेगा ताकि वो इन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे अब तो ये प्री सर्विस जो एजुकेशन है उसके अंदर ही आ गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर पढ़ाइए ताकि जो प्यूपिल टीचर है जिसने भी जॉब ज्वाइन नहीं करी है वो उसको समझ पाए, थोड़ा थोड़ा आगे चलकर वो उनके लिए हेल्पफुल। मेकिंग प्रोविजंस फॉर द नेसेसरी ऑडियो विजुअल एड्स एंड इक्विपमेंट फॉर हेल्पिंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे हमें किस चीज के बारे में, ऑडियो विजुअल एड्स जो दृश्य सर्वे सामग्री है और उपकरण है जो अध्यापक को सहायता पहुंचाते हैं इन बच्चों को बेहतर पढ़ाने के लिए, उनका प्रावधान हमें करना पड़ेगा, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा, कक्षा में लाना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा ताकि इन बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की जो गतिविधि है उसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। कुछ और सपोर्ट सर्विसेज की बात करते हैं। मेकिंग प्रोविजन फॉर असेसिटिव डिवाइसेज लाइक कम्युनिकेशन बोर्ड्स कंप्यूटर्स फॉर द एजुकेशन एडजस्टमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। कुछ कम्युनिकेशन बोर्ड्स होते हैं जैसे हमारा नोटिस बोर्ड है ना,
उसको हम सामान्य तौर पर सामान्य बच्चे के लिए कम्युनिकेशन बोर्ड कह सकते हैं कि वहां पर हमने नोटिस लगाना था वो डाल दी। इन बच्चों के लिए कुछ और तरह की पिक्चर्स, कुछ और चीजें जो डिस्प्ले करनी है, उनके कम्युनिकेशन बोर्ड्स लग सकते हैं जो शिक्षा में, समायोजन में और संप्रेषण में इनके लिए लाभदायक। क्रिएटिंग ए हेल्दी इन्वायरमेंट एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स देम इन द स्कूल फॉर देयर एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू देयर सेल्फ एस्टीम सबसे जरूरी होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के मामले में, कि उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना, ऐसा वातावरण प्रदान करना विद्यालय में, कक्षा में, जो भी कहीं पर वो बच्चा अपने साथियों के साथ मिलता है वहां पर, वो ग्राउंड हो सकता है, वो कैंटीन हो सकती है, वो उनके ट्रांसपोर्ट की बस हो सकती है, वहां उनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हो। अगर उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तो वो ठीक से समायोजित हो पाएंगे और उससे उनका जो आत्मसम्मान है वो बाधित नहीं होगा और वो ठीक से उस माहौल में एडजस्ट हो पाए। अगला है स्पेशल क्लासरूम इक्विपमेंट्स। इन बच्चों के लिए हमारे लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए स्पेशल, जैसे पहला है पेज टर्नर ऑपरेटेड विद ए टूगल स्विच, एक स्विच हो जिसपे वो हाथ मारे पेज अपने आप बुक का पलट दिया जाए। सामान्य बच्चा ये कर सकता है, अगर किसी बच्चे के दोनों हाथों में इस तरह की समस्या है कि वो ठीक से उसके जो मूवमेंट मोशंस है मूवमेंट है वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो उनमें ये हेल्पफुल होगा। हेड वांट टू ऑपरेट ए टाइपराइटर, सिर से संचालित होने वाला टाइपराइटर, ये आप स्टीफन हॉकिंग को देख सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे वो ऐसा कंप्यूटर यूज करते थे जो इस उनको जो सेरेब्रल पैलेसी की वजह से वो बड़ी दिक्कत थी, तो उससे वो अपने सारे लेसन्स या जो भी क्लास थी या जो स्पीच थे वो दे, तो वैसा उनके लिए जरूरी है। रिकॉर्डर्स टू रिप्लेस राइटिंग, राइटिंग को लिख नहीं सकते, ग्रिप नहीं कर पा रहे, उंगलियां काम नहीं कर रहे, तो रिकॉर्डर्स हो, वो बोल के बता दें, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको उसका जो मैं क्या कहूँ एक ऑप्शन के रूप में माना जाए। कैलकुलेटर विद प्रिंट आउट टीप, कैलकुलेटर पे वो काम कर रहा है, पहले उसने कैलकुलेशन की फिर वो हाथ से लिखेगा, तो ऐसे कैलकुलेटर्स हों जो प्रिंट आउट ही दे। ईटिंग एड्स, खाना खाने के लिए उपकरण अलग से हो, उसको समस्या हो सकती है कि वो खा पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि उनको फीडिंग में प्रॉब्लम होती है। पेंसिल ग्रिप्स, उनकी उंगली उतना टाइट उस पेंसिल को नहीं पकड़ सकेगी जितना हम पकड़ते हैं, तो पेंसिल ग्रिप्स होने चाहिए। लैप ट्रेस, आपकी जो चेयर है क्लासेस में जैसे सामने एक फट्टा सा आ जाता है, उस तरह की जो ट्रे होती है वो होनी चाहिए लैप ट्रेस, ताकि ठीक तरीके से वो अपने सामान को वहां पर व्यवस्थित कर सके। नेक्स्ट है लार्जर एंड वेटेड ऑब्जेक्ट्स फॉर मैनिपुलेशन, बड़े और भार वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए ताकि वो मैनिपुलेशन कर पाए, वो विभेद करने की या जो भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें उनका उपयोग वो कर पाए। एडजस्टेबल टेबल्स फॉर अकोमोडेट ए व्हील चेयर, व्हील चेयर पे बच्चा आया उसके साथ कितना ऊंचा करना है टेबल को, कितना नीचा करना है, किस तरीके से करना है, टेबल ऐसा होना चाहिए जिसको हम एडजस्ट कर। नेक्स्ट है वाइड डोरवेज, कक्षा के जो दरवाजे हैं वो खुले चौड़े होने चाहिए। स्टोरेज फॉर क्रचेस, उनके लिए कक्षा में मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो अपना सारा सामान वहाँ छोड़ के जाएं, अलग अलग उनके लिए कैबिनेट बने हो जहां पर एक उनके लिए हेल्पर हो, वो उनको सामान निकाल कर दे देता है, बचा तक वापस रख देता है, जैसे नो बैग स्कूल में आजकल होने लगा। अगला है कन्वर्सेशन बोर्ड कंटेनिंग पिक्चर्स कॉमन ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स द चिल्ड्रन लर्न एंड रीड। कन्वर्सेशन बोर्ड, संप्रेषण बोर्ड होना चाहिए, वार्तालाप बोर्ड होना चाहिए जिसपे तस्वीरें, सामान्य जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर हों, ताकि बच्चा ठीक से सीख पाए और पढ़ पाए। अगला है कंटेंट फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, पहला है उनके पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, इन बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो इनके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला आस्पेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड लैंग्वेज, उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए संप्रेषण क्या है, कैसे होता है, किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं और भाषा का विकास कैसे होता है, ये चीज। दूसरा है उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग और सेल्फ केयर स्किल, खाना कैसे खाना है, नहाना कैसे है, रूटीन एक्टिविटी, टॉयलेट कैसे यूज करनी है, जो भी दैनिक क्रियाकलाप हैं जो हम करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति करता है, वो उनको सिखाना पड़ेगा, ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। कम्युनिटी रेफरेंस्ड इंस्ट्रक्शन, समुदाय से संबंधित जो निर्देश हैं, सूचनाएं हैं, जैसे सड़क कैसे पार करनी है, पैसे का उपयोग कैसे करना है, ATM कैसे यूज करना है, बैंक में कैसे जाना है, जो जनसंचार जो जन यातायात के जो साधन है उस पर कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, वो सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। एडवांस सेल्फ केयर स्किल, कुछ
जो एडवांस आत्म सहायक क्रियाएं हैं, जैसे ऑपरेटिंग किचन अप्लायंसेस, फ्रिज को कैसे आप खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे, कुछ बनाना है, पकाना है, आप गैस को कैसे ऑपरेट करेंगे, किचन में कुछ और उपकरण है उनको कैसे ऑपरेट करेंगे, ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। वोकेशनल प्रेपरेशन, कैरियर अवेयरनेस, वर्क एडजस्टमेंट्स के, उनको व्यावसायिक रूप से हमने तैयार करना है, उनको एक स्पेसिफिक कैरियर की तरफ हमने उनको जागरूक करते हुए आगे बढ़ाना है, और काम में अपने आप को समायोजित कैसे करना है, उस स्किल को सिखाना है, ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ। तो ये था हमारा टॉपिक सेरेब्रल पैलेसी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।